इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्री राजेश लीना जैन, निकेत प्रियंका जैन, सजल प्रज्ञा जैन, सुनील समता जैन एवं पारस, रागनी अद्विक, सम्यक जैन समस्त परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्रीमती चंपा जैन शिक्षिका, संजय संगीता, शरद रश्मि, अक्षत आर्या अर्थ तीर्थ समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री गुलझारी लाल, चिरौंजी बाई, प्रदीप रिंकू जैन, कुमारी प्रियंका, शैली शालनी आदि समस्त नौगांव परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री चंद्रभान चंदा जैन, एडवोकेट आशीष ऋचा, अभिषेक नेहा, आनंद अनय, आगम अनवी, आशिका जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद, श्रीमती अंगूरी बाई, धर्मेंद्र सुषमा, वीरेंद्र ममता, रविन्द्र डिम्पल, विपिन भैया एवं अभय, आगम हिमांशु मिष्ठी, दीक्षा समस्त जैन परिवार, पदम श्री वेयर हाउस महावीर भोजनालय बीना मध्य प्रदेश, श्री मातेश्वरी शांति बाई, श्री मासाब पीसी जैन, श्रीमती विमला बहन जी, आलोक रीना जैन, मीठी स्वीटी समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, एडवोकेट अशोक साधना जैन, लालू प्रीति जैन, अनिकेत प्रख्या प्रज्ञा चानी, मयंक जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री रमेश चंद सुशीला जी, अभय श्वेता, आनंद गुंजन, अनुज रचना, अंश हर्षिता समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पवन मनीषा पिंकी जैन, मोंटी हर्ष भटकुल समस्त कुलुआ वाला परिवार बीना मध्य प्रदेश। मैं कह रहा था हमारा जीवन विषमताओं से भरा हुआ है, हमारा शरीर बाहर से सबका एक सा दिखाई देता है, बाहर से हम सब एक से दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से सब टूटे हुए हैं, अंदर से सब हमारे कर्म अलग अलग हैं। हम संसार में जो भी सुख दुख अच्छा बुरा लाभ हानि संयोग वियोग पाते हैं ये सब क्यों? कल हमने आपसे प्रश्न किया था, हमें संसार में मिला है तो क्यों मिला? जो कुछ भी मिला है, कभी आपने अपने मन से सवाल किया कि मुझे संसार में जो कुछ भी अच्छा बुरा मिला है तो क्यों मिला? बोलो। ये तो मैंने बताया था कि पुण्य से मिला, पर अपने मन से पूछो क्यों मिला? तो पुण्य से मिला। तो तुमने पुण्य कमाने के लिए क्या किया था कि जो तुम्हारा पुण्य इतना अच्छा बना कि उच्च कुल में जन्म लेने का परम सौभाग्य मिला? कहीं दीन दुखी किसी घर परिवार में जन्म लिया होता तो गरीब गुरुवा के घर तुम्हारा जन्म हुआ होता तो जन्म लेते ही तुम्हारी मां तुम्हारे पास से चली जाती, तुम्हारी क्या दुर्दशा होती? जन्म लेते ही तुम्हारी मां तुम्हें परलोक पहुंचा देती तो होता है लोगों के साथ ऐसा, मां ने जन्म दिया किसी कारण से, मां का तो स्वर्गवास हो जाता है, बच्चा जन्म लेता है फिर भी पुण्य के साथ जीता है और जीता ऐसा है कि वो एक दिन भगवान भी बन जाता है। ये सब क्यों मिला? पुण्य से मिला। कहीं तुम जन्म लेती तुम अनाथ हो जाते तो हमारे जीवन का क्या होता? तुम्हें सब कुछ अच्छा मिला है, मिला तो सब अच्छा है, पर अच्छा मिलने के बाद यदि हम अच्छा करो तो अच्छा मिलने का मजा तुम्हें मिलेगा। हमें अच्छा मिलने के बाद यदि हम अच्छा नहीं कर रहे तो जीवन को समझना कि हम सजा से सजा रहे हैं। अगर अच्छा ना करो तो इसे अच्छा मिलने का क्या मजा है? बोलो। सब अच्छा चाहते हैं, चाहते कि नहीं चाहते आप लोग? बोलो। आप कभी ये चाहते कि मेरा सिर में दर्द हो? बोलो। आप ये चाहते हो कि मेरी आंखें मेरे पास ना हो? आप ये चाहते हो कि मेरा पैर फ्रैक्चर हो जाए? आप ये चाहते हो मेरा हाथ टूट जाए? क्यों नहीं चाहते हो? क्योंकि ये हमारे दुख को देने वाले कारण हैं। जिस दिन तुम्हें ये समझ में आ जाएगा ये मेरे दुख के कारण हैं, उस दिन तुम उस चीज से बचने का पुरुषार्थ करना शुरू कर देते हो। आप यदि गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चलाते समय यदि आप सावधान नहीं रहोगे तो क्या होगा? गाड़ी का
एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम्हें गड्ढे में गिरा देगी। पर संत कहते हैं तुम्हें जीवन रूपी गाड़ी परमात्मा के द्वारा प्राप्त हुई है, और उस गाड़ी को तुम ठीक ड्राइविंग नहीं करोगे तो तुम्हारी गाड़ी कहां जाएगी? बोलो अध्यक्ष जी, गड्ढे में गाड़ी चली जाएगी, तुम्हें डर और भय बना रहता है कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। पर संत कहते हैं जीवन रूपी गाड़ी तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें भय होना चाहिए कि मेरा संसार में पतन ना हो जाए। ये भय होता है तुम्हारे लिए? भय भीरुता है? नहीं है। भय भीरुता होती तो फिर कहीं और तुम बैठे होते हमारे बाजू में। जो संसार पतन के कारण उन विकल्प जालों को छोड़, संसार में जितने भी कारण हैं सब संसार को बढ़ाने वाले हैं, और संसार में जितने भी कारण संसार को बढ़ाते हैं उनके प्रति तुम्हारा आत्मा में बोध जाग जाएगा, उस दिन से तुम उन कारणों से बचने का पुरुषार्थ करेंगे। हिसाब लगाओ पुण्य से तुम्हें मिला है, किसके लिए मिला? पाप करने के लिए मिला है कि पुण्य को बढ़ाने के लिए मिला है? उत्तर मिलता है पुण्य को बढ़ाने के लिए मिलता है। पर कर क्या रहे हो? पाप बढ़ाने के कार्य कर रहे हैं कि पुण्य को बढ़ाने के कार्य कर रहे हैं? मैं आपसे कहूं, 6 बजे उठ कर के भगवान के दर्शन करने, अभिषेक करने, शांति धारा करने, पूजन करने, प्रवचन सुनने आप आइएगा, एक क्या कारण है? पुण्य को बढ़ाने के हेतु है। मेरी बात आपको या आप क्या जो इसको सुन रहे हैं उनको बुरा लग सकता है, लेकिन यथार्थ में देखा जाए, वास्तव में समझा जाए, पुण्य के कारण हमारे जीवन में कितने जुड़ पाते हैं, कितने क्षण हमारे जीवन में आते हैं जब हम पुण्य के काम करते हैं। पाप के जुड़ने वाले कारण हमारे जीवन में अनेक हो सकते होते हैं। 24 घंटे में हम कितना समय अपनी आत्मा की उन्नति के लिए निकालते हैं? बोलो, आप अपने जीवन का जीवन बीमा तो करा लेते हो, वो मिलता है मरने के बाद, और तुम्हें नहीं मिलेगा तुम्हारे परिवार को मिलेगा, ये निश्चित है। क्यों? बात ऐसी है ना, मुझने कराया नहीं, जो कराया मुझे अपना मिलेगा। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति ने जीवन बीमा कराया कि भविष्य में हमको पैसे मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे, हमारा परिवार चलेगा, घर चलेगा। अचानक उसकी मौत हो जाती है। अब बताओ, जीवन बीमा तो उसने स्वयं के लिए कराया था और उसका उपभोग उनके बच्चे या परिवार को मिला करने का अवसर। पर संत कहते हैं तुम अपने जीवन बीमा बाहर का कराओ या ना कराओ, इस फिजिकल जीवन बीमा को कराओ ना कराओ, पर परमात्मा से तुम जीवन बीमा करा लोगे तो तुम्हारे साथ जाने वाला है। हम सब एजेंट बनकर के आपकी समाज के बीच में आते हैं, पॉलिसी लेकर के आते हैं। सुनो बंधुओं, सुनो, ये पॉलिसी वो है जो तुम्हारा जीवन बीमा होगा वो तुम्हारे साथ जाएगा, और बाहर का जीवन कोई एजेंट आएगा वो तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हारे परिवार को मिलेगा। और यहां जो धर्म से जुड़ करके जीवन बीमा कराओगे वो तुम्हारे साथ जाएगा। अब तय तुम्हें करना है कौन सा जीवन बीमा कराना है, स्वयं की आत्मा का कराना है कि शरीर का कराना है। बोलो, हिसाब लगा लो 24 घंटे में कितनी देर तुम पुण्य करते हो। महाराज श्री, ये तो कभी सोचा ही नहीं था कि पुण्य भी करना है। हम लोग तो बड़े सीधे साधे हैं, परिवार के लोग मंदिर आते हैं तो परंपरा से हम लोग भी मंदिर चले आ रहे हैं। जब सुबह होती है तभी सुबह मान लेते हैं, जब नींद खुलती तभी सुबह मान लेते हैं,
कोई साधु संत आता है तो थोड़ी देर लेने के लिए चले जाते हैं, और जब साधु संत जाते हैं तो नदी के उस पार तक चले जाते हैं। यही हमारा धर्म है। धर्म तुम्हारे जीवन का कर्म जिस दिन बन जाएगा, उस दिन तुम धरती के देवता बन जाओगे। आप देवता बनना चाहते हो? बोलो बोलो साहब, बोलते चलो। प्रवचन में तभी मजा आता है जब तुम हाँ जी कहोगे। मैं दिल्ली में था पिछले साल, वहाँ हाँ जी बोला जाता है, बाबूजी और हाँ जी, बाबूजी और हाँ जी। आप धरती के देवता बनना चाहते हैं जी? हाँ जी, आवाज़ आना चाहिए, इसमें रिकॉर्डिंग होती है तुम्हारी आवाज़। हाँ जी, यदि धरती के हम देवता बनना चाहते हैं तो हमें पुण्य के कार्य करना पड़ेंगे। जो दो प्रतिमा के व्रत ले लेते हैं उनका स्थान चार अंगुल ऊपर उठ जाता है, संयमी बनकर के व्रति बन जाते हैं, गुणस्थान उसका पांचवा हो जाता है। क्यों? उसने अपने पुण्य के संकल्प को मजबूत कर लिया। अब मुझे जो करना है वही करना है जिससे हमारी आत्मा की उन्नति हो। बंधुओं, इस संसार में दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक पुण्य से एक पुण्यात्मा और एक पापात्मा। पुण्यात्मा व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त संसाधनों का सदुपयोग करके सदगति का पात्र बनता है। उसके लिए पुण्य से जो जो सामग्री प्राप्त हुई है, अच्छा जीवन मिला है, स्वस्थ शरीर मिला है, उच्च कुल में जन्म मिला है, संभ्रांत परिवार में जन्म लिया है, जन्म लेते ही करोड़पति बन गया है, सारे ऐसो आराम के साधन हैं, और साथ में सम्यक दर्शन को लेकर के आया है, तो वो सदगति सद उपयोग उन संसाधनों का करके सदगति का पात्र बनता है, सारी मानवता के लिए आदर्श प्रस्तुत कर जाता है। और दूसरे भी लोग होते हैं जो पुण्य से तो प्राप्त संयोग, पुण्य से तो प्राप्त तुम्हें सामग्री हुई है, पर उसको दुरुपयोग करते हैं, गलत कार्यों में सामग्री को लगा देते हैं, तो क्या होता है? दुर्गति के पात्र बनते हैं, मानवता के लिए कलंक बनकर के रह जाते हैं। हमारे सामने दो आदर्श पुरुष हैं। उसके पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, पुण्य से तुम्हें जो मिला था किस लिए मिला? तो आप कहोगे पाप करने के लिए नहीं, पुण्य करने के लिए मिला है। तो फिर तुम पुण्य करने के लिए तुम्हें मिला है तो कर क्या रहे हो? ये अपने मन से सवाल करो कि पुण्य से तुम मिल गया है किस लिए? पुण्य करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए, फिर कर क्या रहे हैं? पूछो क्या कर रहे हैं। कोई आदमी जेल में हो, कोई आदमी जेल में हो और उसकी CR को देख करके थोड़े समय के लिए उस व्यक्ति को बाहर निकाल दिया जाता है पैरोल पर, ऐसे ही होता है ना। CR उसकी बहुत अच्छी है, उसको जेलर देख करके बहुत सज्जन व्यक्ति लग रहा है, लगता है धोखे से किसी कारण से ये जेल में आ गया है, चलो इसकी सज्जनता को ईमानदारी को देख करके थोड़े समय इसको घर भेज दिया जाए, ठीक है। और वह व्यक्ति बाहर आकर के उपद्रव करे तो, सुन रहे हो जी, सुन रहे हो जी, यदि वह व्यक्ति बाहर आके उपद्रव करे तो उसका क्या हाल होगा? वापस जेल जाएगा, फिर दोबारा उसको कभी पैरोल पर मिलना नहीं होगा। बता दूं, हम सब जितने यहां पर आए हैं सब पैरोल पर आए हैं, परमात्मा ने तुम्हें भेजा है CR देख करके। जन्म लिया तुमने नरक निगोद के जेल से आकर के, मानव पर्याय को, मनुष्य पर्याय को पाया,
सब पैरोल पर आए हैं और यहां वही करोगे तो वापिस वापिस वहीं जाना होगा। तो किस लिए मिला है? सब पुण्य कमाने के लिए मिला है। पुण्य से तो मिला है, पर क्यों मिला, किस लिए मिला? तुम तो प्रयोग करो। योग मिला है चातुर्मास का, योग बना है चातुर्मास का। इस चातुर्मास का सही सही प्रयोग करोगे तो जीवन तुम्हारा चमक जाएगा, तुम्हारा जीवन निहाल हो जाएगा। जहां जहां साधु संतों के चातुर्मास होते हैं वहां वहां की तस्वीर बदल जाती है, जीवन शैली बदल जाती है, रहने के रंग ढंग सब बदल जाते हैं। किसके प्रभाव से? साधु संतों के प्रभाव से, उनके संपर्क में आने से। तुम्हें आंखें मिली, क्या कर रहे हो आंखों को पाकर के? प्रभु के दर्शन करते हैं कि किसी और के दर्शन करते हो? आंखें मिली हैं तो प्रभु के दर्शन करो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्री राजेश लीना जैन, निकेत प्रियंका जैन, सजल प्रज्ञा जैन, सुनील समता जैन एवं पारस, रागनी अद्विक, सम्यक जैन, समस्त परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्रीमती चंपा जैन शिक्षिका, संजय संगीता, शरद रश्मि, अक्षत आर्या, अर्क तीर्थ, समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री गुलझारी लाल, चिरौंजी बाई, प्रदीप, रिंकू जैन, कुमारी प्रियंका, शैली, शालिनी आदि समस्त नौगांव परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री चंद्रभान चंदा जैन, एडवोकेट आशीष ऋचा, अभिषेक नेहा, आनंद, अनय, आगम, अनवी, आशिका जैन, समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद, श्रीमती अंगूरी बाई, धर्मेंद्र, सुषमा, वीरेंद्र, ममता, रविन्द्र, डिम्पल, विपिन भैया एवं अभय, आगम, हिमांशु, मिष्ठी, दीक्षा, समस्त जैन परिवार, पदम श्री वेयर हाउस, महावीर भोजनालय बीना मध्य प्रदेश, श्री मातेश्वरी शांति बाई, श्री मासाब पीसी जैन, श्रीमती विमला बहन जी, आलोक रीना जैन, मीठी स्वीटी, समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, एडवोकेट अशोक साधना जैन, लालू प्रीति जैन, अनिकेत, प्रख्या, प्रज्ञा, चानी, मयंक जैन, समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री रमेश चंद, सुशीला जी, अभय, श्वेता, आनंद, गुंजन, अनुज, रचना, अंश, हर्षिता, समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पवन, मनीषा, पिंकी जैन, मोंटी, हर्ष, भटकुल, समस्त कुलुआ वाला परिवार बीना मध्य प्रदेश।